हासिलपुर में बेवा खातून को मुबैना इज्तमाई ज्यादती के बाद कत्ल करने का मामला। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जबकि नामजद बासर मुलजिम ताहाल आजाद घूम रहा है। मकतूला नजमा बीबी का गरीब खानदान हसूल इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज बन गया। हासिलपुर में बेवा खातून को मुबैना इज्तमाई ज्यादती के बाद कत्ल करने का मामला। मकतूला का खानदान हसूल इंसाफ के लिए दर दर के धक्के खाने पर मजबूर। मुलजमान ने चंद रोज पहले गरीब मोहल्ला की रिहायशी दो बच्चों की मां बेवा नजमा बीबी को अगवा किया और मुकाबला ले जाकर मुबैना इज्तमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया मगर नामजद बासर मुलजम फियाज को अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम है। मकतूला के खानदान ने हसूल इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि थाना सिटी और डीएसपी ऑफिस के कई चक्कर लगा चुके हैं, हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता। ओदे घरों इलाज लभी हस्पताल वाला इलाज चाह के लिया है पे सानू तो पता लगा हस्पताल असी दो तीन दफा थाने वाले अंदर गए हैं तो नहीं है गल की कि पैसे दियो खर्चा दियो असी बंदा पकड़े आज तक नहीं बंदा पकड़ा गया 15 दिन हो गए। मकतूला नजमा बीबी के लवाहकीन ने आईजी पंजाब से मुतालबा किया के मुलजम फयाज जभेल को फौरी गिरफ्तार करके इन्हें इंसाफ फराम किया जाए। सानू 12 बजे लाश लगी है ला जाने हल्ले कतल की कराई उस 5-6 बंदा ने सामने दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर थाना सिटी मोहम्मद जहद का अपने मौकफ में कहना था कि मुलजम गिरफ्तार है दूसरे को भी जल्द पकड़ लेंगे। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद रोही हासिलपुर।